अगर आप लोग एक ग्लिच अप्लाई कर चुके हो और बिना कलेक्शन पैक डिलीट किए और एक दूसरा ग्लिच अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। अगर आप भी मेरी तरह परेशान हो कि एक ग्लिच अप्लाई कर चुके हो और दूसरा कोई अप्लाई नहीं कर पा रहे हो और आप लोग अप्लाई करना जानते हो दूसरा ग्लिच एक ग्लिच से, तो भी आप लोगों को एक बड़ा सा 900 एमबी का पैक डाउनलोड करना पड़ता है ड्रेस का, वो आप लोगों को अभी डाउनलोड नहीं करना होगा। अभी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा और पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को दिखेगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपना भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है रोनित और आप देख रहे हैं गेमिंग जोकर लाइव। इसमें आप लोगों को ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। चलिए मैं अभी आ गया हूँ गेम में। आप लोग देख सकते हो कि मैं जो ड्रेस पहन रहा हूँ वही हो रहा है, कोई भी ग्लिच अप्लाई नहीं किया हुआ है। आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं लाइव पूरा दिखाना चाहता हूँ पूरा प्रोसेस। आप लोगों का पहले ऐसा फ़ोन होगा कोई भी ग्लिच अप्लाई नहीं किया, और मैं दो ग्लिच अप्लाई करके दिखाऊंगा बिना ड्रेस डाउनलोड किए हुए। उससे क्या होगा, आप लोग पहली बार तो ग्लिच अप्लाई कर लोगे, उसके बाद दूसरा कोई अप्लाई करने जाओगे तो पूरा ड्रेस पैक डाउनलोड करना पड़ता है, तो उसके लिए मैं पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों को तो पहले चले जाना है अपने फाइल में, मैं जैसे कि जा रहा हूँ आप लोगों को फाइल में चले जाना है। अभी मैं आप लोगों को दो ग्लिच अप्लाई करके दिखाऊंगा एक के बाद एक। उसके बाद आप लोगों को इंटरनल स्टोरेज में आना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, नया फोल्डर क्रिएट कर देना है। मैं जैसे कि कर रहा हूँ FF कलेक्शन पैक, आप लोग जो भी कुछ लिख सकते हो आप लोगों को याद रहना चाहिए। चलिए मैं जल्दी जल्दी से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। चलिए मेरा फोल्डर क्रिएट करना हो चुका है ख़त्म। अभी आप लोगों को मैं जाके दिखा देता हूँ उस वाले फोल्डर में क्या है। आप लोग जैसे स्क्रीन में देख पा रहे हो ये वाला फोल्डर अभी खाली है, खाली ही रहने देना है। उसके बाद एंड्रॉयड में जाना है, उसके बाद डाटा में, उसके बाद आप लोगों को कॉमरेड DTS फ्री फायर को ढूंढ के कॉपी मार देना है। उसके बाद इंटरनल स्टोरेज में क्लिक करके मैंने जैसे कि नया फोल्डर क्रिएट किया था उसमें आप लोगों को पेस्ट कर देना है, ठीक है, यहाँ पर ही कॉपी हेयर कर देना है। कॉपी होने देते हैं, हमारा वो वाला फाइल कॉपी करना हो चुका है पूरा। अभी आप लोगों को क्या करना होगा आप लोगों को स्क्रीन में दिखेगा। तो आप लोगों को तो पहले एक मीडिया फायर डाउनलोड कर लेना है जो ग्लिच आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। मैं ये वाला करना चाहता हूँ इसलिए मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद का प्रोसेस आप लोग देख लो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से जैसे कि करता है एक्सट्रैक्ट हेयर करके सब करते हैं, उसका प्रोसेस मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ग्लिच अप्लाई करके दिखाऊंगा दो, अभी मैं कर रहा हूँ आप लोग देख लो। पहला ग्लिच मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ये पहला वाला ग्लिच है। और एक ग्लिच मैं अभी लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा, ये वाला ग्लिच अप्लाई होने वाला है, ठीक है। प्रोसेस मैंने कंप्लीट कर लिया, अभी अप्लाई होने वाला है। तो अभी गेम खोल के देख लेते हैं ग्लिच अप्लाई हुआ नहीं। ये वाला पहला ग्लिच मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरा ग्लिच अप्लाई करूँगा और डेज भी नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीन में देख लो अभी गेम खोल रहा है। अभी आप लोगों को मैं नूबड़ा वाले अकाउंट से दिखा रहा हूँ, वो वाले अकाउंट से मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को सिर्फ मैं ये लाइव प्रोसेस दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। तो आप लोगों का जैसे भी अकाउंट हो चल जाएगा। अभी देख सकते हो हमारा ग्लिच हो चुका है अप्लाई। आप लोग देख सकते हो ये वाला मैं ड्रेस पहन रहा हूँ, ये वाला हो रहा है। इसमें ज़्यादा कलेक्शन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कलेक्शन नहीं दिखा सकता, पर आप लोग हमारे ग्लिच का वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छे अकाउंट से मैंने किया है, वो मेरा असली वाला अकाउंट है। तो आप लोग देख लो, ये देख लो ग्लिच अप्लाई हो गया पहला वाला। तो अभी आप लोगों को मैं दूसरा ग्लिच अप्लाई करके दिखाऊँगा लाइव पूरा, ठीक है। अभी मैं गेम को बैक कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो मेरा पूरा ड्रेस भी डाउनलोड है। अभी मैं बैक करके दूसरा ग्लिच अप्लाई करके दिखा रहा हूँ बिना ये कलेक्शन पैक डिलीट करके। मेरा तो एक ग्लिच अप्लाई करना हो गया, अभी मैं दूसरा करके दिखाऊंगा बिना ड्रेस डिलीट किए। तो आप लोगों को पहले इंटरनल स्टोरेज में चले जाना, उसके बाद एंड्रॉयड में, उसके बाद ये जो डाटा वाला फोल्डर है इसको आपको पूरा कर देना है डिलीट। कॉमरेड DTS को नहीं, डाटा वाला फोल्डर को आपको पूरा कर देना है डिलीट। ये डाटा जो होता है इसको करने से कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ कैचे होता है फ़ोन का, ठीक है। ड्रेस का जो फाइल रहता है फ्री फायर का वो एक कैच ही है, मतलब बेकार का। तो आप लोगों को डाटा डिलीट करना होगा ऐसे मैं जैसे कर रहा हूँ, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा डाटा डिलीट करने से। फ़ोन में कुछ भी नहीं डिलीट होगा, सिर्फ फ्री फायर का ड्रेस डिलीट होगा, ठीक है। तो आप लोग डाटा को पूरा डिलीट कर देना, उसके बाद अपने आप डाटा फिर से आ जाएगा, ठीक है, समझ सकते हो, फिर से आ जाएगा अपने आप, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को चले जाना है अपने जो FF कलेक्शन पैक ऐसा नाम किया जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था उसमें, ठीक है, उसमें आप लोगों को चले जाना होगा। नीचे मैंने किया था, ये देख सकते हो FF कलेक्शन पैक, ये वाले जो कॉमरेड DTS फ्री फायर है इसको आपको कर देना है कॉपी, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज में एंड्रॉयड में, और जैसे कि रहता है एंड्रॉयड में जाके उसके बाद आप लोगों को डाटा में जाना होता है। मैं जैसे कि जा रहा हूँ पहले एंड्रॉयड में जा रहा हूँ,
उसके बाद आप लोग डाटा में जाके यहाँ पर कॉपी कर देना वो वाले फिप कलेक्शन में जो था उसको, मूव नहीं करना है आप लोगों को, कॉपी करना है तो वहाँ पर भी रहेगा यहाँ पर भी रहेगा। जब भी आपका डिलीट हो जाए ये वाला ड्रेस वहाँ से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, कॉपी कर लेना हर वक्त। तो समझ सकते हो कितना आसान प्रोसेस रहने वाला है। 900 MB का तो डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा है आपको। तो आप लोगों को ये वाला प्रोसेस कैसा लगा? अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, कॉपी हो रहा है अभी, कॉपी हो जाने देते हैं, उसके बाद आप लोगों को और एक ग्लिच अप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। एक तो मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप लोग दूसरा जब करने जाओगे तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉपी हो रहा है अभी, कॉपी हो जाने देते, थोड़ा सा वेट कर लो। कॉपी करना हो चुका है ख़त्म, 100 कॉपी दिखा रहा है। अभी आप लोगों को चले जाना है दूसरे एक और ग्लिच अप्लाई करने के लिए। दूसरे एक और ग्लिच आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, जो भी आप लोग करना चाहते हो। मैं यूट्यूब खोल के मेरे ही ग्लिच अप्लाई करूँगा, ठीक है। आप लोगों को मैं कट करके दिखा दे रहा हूँ डाउनलोड करके डायरेक्ट। मैंने अभी ये वाला मीडिया फायर डाउनलोड कर लिया, ये वाला ग्लिच मेरा ही चैनल का है, पार्ट 9 का ग्लिच है। तो आप लोग अभी इसको जैसे करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर वेयर करके सब कर लेना जैसे कि करते हैं। मैं इसका प्रोसेस अभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं डायरेक्ट आप लोगों को ग्लिच अप्लाई करके बताऊंगा। अभी स्क्रीन में होगा, आप सिर्फ देखना मेरा क्या ग्लिच था। 1 ग्लिच था, अभी मैं 2 ग्लिच आप लोगों को दूसरा ग्लिच अप्लाई करके बता रहा हूँ। मेरा ग्लिच अप्लाई करना फ़ोन में हो चुका है ख़त्म। अभी मैं गेम खोल रहा हूँ, आप लोग लाइव देख लेना। गेम में जाके देखते हैं मुझे कलेक्शन पैक डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है या नहीं। आप लोगों को लाइव प्रूफ मिल जाएगा, लास्ट तक वीडियो को देखना, देखना कि मुझे डाउनलोड नहीं करना होगा, आप लोग देख लेना। चलिए वेट करते हैं, गेम खुल रहा है। अभी मैं एक भी पार्ट स्किप नहीं करूँगा, आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। देख सकते हो मेरा दूसरा ग्लिच हो चुका है अप्लाई। पहले वाले ग्लिच में ये सब ड्रेस नहीं हो रहा था, ये दूसरा ग्लिच है इसलिए हो रहा है, देख सकते हो लाइव प्रूफ के साथ। आप लोग ऊपर भी अगर देखोगे कलेक्शन पैक भी डाउनलोड होगा पूरा, एक भी कलेक्शन अभी डाउनलोड करने के लिए नहीं बोल रहा है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। तो आप लोगों को मैंने आज दिखाया कि एक ग्लिच आप लोग पहले अप्लाई करो, उसके बाद दूसरा ग्लिच कैसे अप्लाई करो। दूसरा ग्लिच अगर अप्लाई करने जाते हो तो बहुत सारा दिक्कत आता है कि ड्रेस वेस डाउनलोड करने के लिए बोलता है 900 MB का, तो वो अभी नहीं करने के लिए बोलेगा, आपका प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को एक लाइक करके जाना, और हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना। तो आज का वीडियो यही तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।